हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को आरके आईएएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु जल समझौता के ऊपर, क्या है। आइए हम देख लेते कम समय में और काफ़ी आम भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे हम आप सभी को। सिंधु जल समझौता क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, प्रश्न ये उठता है। क्योंकि जब भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय पाकिस्तान और भारत का भी विभाजन हुआ, और विभाजन के समय भूमि बंटवारा हुआ भी भारत और पाकिस्तान के बीच, पर जल समझौता नहीं हुआ उस समय। तो वही जब भूमि विभाजन हो गया तो पाकिस्तान को लगा कि यार जब जल समझौता, जल बंटवारा जब हुआ ही नहीं, एक तरफ से कहा तो समझौता भी कह सकते हैं, जल समझौता जब हुआ ही नहीं तो फिर यार हमारा कृषि कैसे होगा, कहीं आने वाले समय में भारत कहीं बंद ना कर दे जल, यह भी उसके मन में ये सवाल उठ रहा था। तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे और बात भी करेंगे। अब पाकिस्तान को कितना पानी मिलता है अभी भी वर्तमान में भी हम देखेंगे, किन किन नदियों पे बंटवारा हुआ ये भी देख लेंगे। तो पाकिस्तान को जब ये लगा था कि जब हमारा कृषि ही जब नहीं होगा तो फिर हमारा इनकम कैसे होगा, तो सीधा डायरेक्ट गया विश्व बैंक के पास। विश्व बैंक के पास जा कर के बोला, भाई साहब हमें तो भूमि बंटवारा हो गया पर जल समझौता नहीं हुआ, चलिए आप करा दीजिए। जैसे गाँव में जिस झगड़ा वगड़ा होता है तो उसको समझाने के लिए मुखिया पंचायत होते हैं ना, तो सेम वैसे ही किसी भी देश में अगर कोई भी विवाद हो, किसी भी चीज़ को समस्या हो, तो उस समय विश्व बैंक था, वो पूरा मतलब एक कम्युनिटी टाइप का था, संस्था टाइप का था, क्योंकि वो भी सुलझाता था। एक समझिए एक तरफ से आम भाषा में पंचायत का मतलब सरपंच का भूमिका निभाता था, वो समझाने का काम करता था। उसी के पास पाकिस्तान गया और उसी के कहने पर सिंधु जल समझौता हुआ। सिंधु जल समझौता आपका हुआ ये 19 सितंबर 1960, कहाँ हुआ, कराची में हुआ था। कराची में हुआ सिंधु जल समझौता। इसमें दो व्यक्ति शामिल हुए प्रमुख, भारत से और पाकिस्तान से। तो पहला थे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के थे राष्ट्रपति अयूब खान। इन लोगों के मध्य में समझौता हुआ कराची में 19 सितंबर 1960 को। इसमें इस समझौता के तहत 10 वर्ष के लिए समझौता हुआ, 10 वर्ष के लिए बोला गया। भारत बोला था कि हम 10 वर्ष के लिए पानी देंगे, और 10 वर्ष आने जब बीत जाएगा उसके बाद हम परिवर्तन कर सकते हैं इसमें, पर अभी तो परिवर्तन हुआ नहीं है। और ये किन किन नदियों पर बंटवारा हुआ ये भी हम देखेंगे। इसमें बंटवारा हुआ तो 6 नदियों पर, सिंधु समझौता जो जल समझौता है इसमें 6 नदियों पर बंटवारा हुआ था। 6 नदी पे बंटवारा होने का कारण ये होता है कि पाकिस्तान को 3 नदी कौन मिली और भारत को 3 नदी कौन मिली, ये भी तो जानने का भाई प्रश्न बनता है कि कौन कौन सी नदियाँ थी। तो आइए देखते हैं 6 नदियों पे बंटवारा हुआ था। तो पाकिस्तान को पूर्वी भाग में मिला आपको झेलम नदी और सिंधु नदी, चिनाब नदी, और भारत को पूर्वी ओर मिला रावी नदी, सतलज नदी, व्यास नदी, क्योंकि इन्हीं 6 नदियों पर बंटवारा हुआ था, जल समझौता हुआ था इसी पे। जो उस समय भारत बोला था कि नहीं, इस समझौते के तहत हम पाकिस्तान को 80% जल देंगे, और 80% जल देने के कारण भारत उसको 80% जल तो दे दिया, पर अपने खुद 20% जल लिया। क्यों लिया ये भी देख लेते हैं, रीज़न क्या है। क्योंकि पाकिस्तान को इसलिए 20% जल दिया गया, उसके क्षेत्र में कोई चीज़ नदी या कहा जाए समुद्र का लगाव नहीं था, मेन लगाव सिंधु नदी थी। जो ये आती है सिंधु नदी यही थी, ये सिंधु नदी आती है कहाँ से, ये मानसरोवर झील से, तिब्बत के पास है, जो यहीं पे पर्वत है कैलाश पर्वत है, यहीं पे जो शंकर भोलेदानी के पर्वत कहा जाता है,
और वो पर्वत चीन में है, वो पर्वत चीन में है, मानसरोवर नदी के पास जो झील है, यही इसी झील से सिंधु नदी आती है, पानी इसी नदी से आता है जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं। और ये नदी कश्मीर होते पाकिस्तान होते आती है सीधा अरब सागर में, अरब सागर में आकर के मिल जाती है। और कराची में जो समझौता हुआ था, कराची के दक्षिणी भाग में होते ये नदी गुजरती है, दक्षिणी भाग से होते नदी गुजर जाती है। और इसमें प्रमुख बात ये है कि भारत से पांच नदियाँ इसमें सिंधु नदी में आकर के मिलती है। और वो पांच नदियाँ कौन है ये भी हम देख लेते हैं। पांच नदियाँ ये आपकी रही जो पंजाब क्षेत्र से होकर के गुजरती है, पांच नदियाँ ये आपकी, पहला झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी। ये जो पांचों नदियाँ है वो पंजाब से लगाव होकर के सीधा ये गुजरती है, कहाँ मिलती है आकर के सिंधु नदी में, सिंधु नदी में मिलती है। और सिंधु नदी में मिल करके यही सीधा सिंधु नदी आ करके अरब सागर में मिल जाता है। जब अरब सागर में जब मिलता है ये नदी तो पूरा अपने मतलब समुद्र का एक रूप ले लेता है कहा जाए तो। और यही जल समझौता पाकिस्तान के लिए अभी भी लाभदायक है और बहुत मतलब कृषि के क्षेत्र में उसको मतलब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वो ये सिंधु नदी निभाती है पाकिस्तान में निभाती है। तो आई होप सब कि इस वीडियो से आप लोग बहुत प्रभावित हुए होंगे, क्योंकि ये मेरा मकसद ये था सिंधु जल समझौता आम भाषा में और कम समय में समझाने का मेरा प्रयास था। कि आई होप सब कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, यू आर सपोर्ट मी, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर मी कमेंट। जय हिंद, जय भारत।